हेलो स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर में एक अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि अगर प्लेन मिरर को किसी एंगल से रोटेट कर देंगे तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं उस मिरर के ऊपर वो कितने एंगल से रोटेट कर जाएंगे। या ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर मिरर को हम लोग वैसे ही रखते हैं लेकिन इंसिडेंट रे को किसी एंगल से रोटेट कर देते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट कर जाएगा। या ऐसा भी पूछा जाता है कि इंसिडेंट रे को और मिरर को साइमल्टेनियसली रोटेट कर रहे हैं, है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट करेगा। या कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मिरर किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा हो तो रिफ्लेक्टेड रे की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि वो भी रोटेट कर रहा होगा, है ना। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड थ्योरी हम लोग आज पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर, कि अगर हम लोग मिरर को रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे के रोटेशन में क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि देखेंगे आप, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये जो है ये एक मिरर है। मैं मिरर का ये जो है पहला पोजीशन मानता हूँ, तो ये इसको मैंने कह दिया M1। जब ये मिरर हॉरिजॉन्टल है तो इसका पोजीशन मैंने कहा ये M1 है, और फिर यही मिरर जो है ये रोटेट कर जाएगा। ठीक, तो जब ये मिरर M1 है तो इस पर एक नॉर्मल डाला गया है, यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक कलर से, इसको मैं नॉर्मल N1 लिख देता हूँ। ठीक, और इस मिरर पर ये येलो कलर का जो लाइट है ये इंसिडेंट हो रहा है, तो ये जो है ये इंसिडेंट रे है ना, ये इंसिडेंट रे हो गया। और जब इस एंगल पर इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, ये मैं इसको कह देता हूं R1। जब मिरर का ये पोजीशन है M1 वाला, तो रिफ्लेक्टेड रे का ये पोजीशन है R1। ठीक है, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है I, और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो भी इतना ही होना चाहिए, इसको भी मैं आई लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आई है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मिरर को रोटेट कर देते हैं। ये जो मिरर है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया और ये दूसरे पोजीशन पर आ गया, इसको हमने कह दिया M2। अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करें, जैसे सपोज ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये जो नॉर्मल यहाँ था ये नॉर्मल भी थीटा से रोटेट कर जाएगा और ये N2 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, ये जो है ये भी थीटा से रोटेट कर गया। अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा। ठीक, इंसिडेंट रे जो है उसको हमने फिक्स रखा है, अगर इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस देखेंगे ये पूरा बन जाएगा, इंसिडेंट रे और ये नया जो नॉर्मल है इसके बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, जिसको मैं आई प्लस थीटा लिख सकता हूँ। पहले ये आई था और ये थीटा था, दोनों जोड़ दिया आई प्लस थीटा हो गया। ठीक, तो अब नॉर्मल ये है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई प्लस थीटा, तो अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहां पर आ गया है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये दूसरे वाले केस में है, यानी इसको मैं R2 जो है नाम दे देता हूं। तो अब देखेंगे कि चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा हो गया है यहां से यहां तक, तो इस बार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कहां से कहां तक होगा, ये होगा यहां से यहां तक, ये भी आई प्लस थीटा ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। हमें पता करना है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना एंगल से रोटेट किया, पहले यहां था और अब यहां पर है, तो ये जो डेल्टा है ये डेल्टा की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें कि ये जो इंसिडेंट रे है इसका जो है R2 से एंगल ये टोटल बनेगा इतना। ठीक है, ये कितना आएगा एंगल, ये आएगा 2 × I + θ, आई प्लस थीटा ये है और फिर आई प्लस थीटा ये भी है ना, तो ये हो जाएगा 2 × I + θ। ठीक, तो इस
टोटल एंगल में से अगर मैं केवल ये एंगल माइनस कर दूं यहां से यहां तक का, ठीक है, ये वाला एंगल, तो ये डेल्टा निकल जाएगा, है ना। अब ये एंगल कितना होगा ये देखेंगे, 2i के इक्वल होगा। यहां पर ये ही जो एंगल है वो हमने यहां पर दिखाया हुआ है ना, ये i है और ये i है, तो ये टोटल जो है वो 2i हो गया। तो इस एंगल में से मैं माइनस करूंगा 2i, तो ये डेल्टा के इक्वल आएगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ से कि डेल्टा का जो वैल्यू है वो कितना आता है। तो देखेंगे यहाँ से 2i और यहाँ से 2i कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2 थीटा। तो ये जो एंगल आया है डेल्टा का जो वैल्यू आया है वो 2 थीटा है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मिरर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट करता हूँ तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 2 थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा, है ना, यानी सेम डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड इफ मिरर इज रोटेटेड बाई थीटा देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाई 2 थीटा इन सेम सेंस। सेंस का यहाँ पर मतलब है डायरेक्शन। अगर मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है वो ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर मिरर को फिक्स्ड रखें और इंसिडेंट रे को रोटेट करें तो क्या चेंज हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, देखें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। इस बार मिरर को हमने फिक्स रखा है, मिरर ये है एम, और इस पर जो नॉर्मल है ये भी फिक्स रहेगा। अगर मिरर को फिक्स रखेंगे तो नॉर्मल फिक्स रहेगा, लेकिन इंसिडेंट रे को हम लोग इस बार रोटेट कर रहे हैं। इंसिडेंट रे जो है वो रोटेट हो रहा है, पहले इंसिडेंट रे ये था I1, तो लाइट रे ऐसे गया होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था I, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी I होगा और रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको मैं लिख देता हूँ R1। अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि जो इंसिडेंट रे है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं, ठीक। तो अब इंसिडेंट रे ये हो गया जिसको हमने कह दिया I2, तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से कम हो गया क्योंकि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के पास में आ गया है। तो इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा जो कि आएगा I-थीटा, है ना। चूंकि इंसिडेंट रे पास में आया है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पास में आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली होना क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिक्रीज होगा, है ना। तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो भी I-थीटा ये हो जाएगा, है ना। तो ये जो हो गया वो दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, है ना, मतलब इंसिडेंट रे ये होगा तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, जब इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, ठीक। तो देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है इसको हमने रोटेट किया ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे रोटेट किया है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हम पता कर सकते हैं, है ना, क्योंकि
कितना आएगा देख सकते हैं, ये जो टोटल था ये है 2i, है ना, और 2i में से अगर हम लोग ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो डेल्टा निकल जाएगा, है ना। तो इस बार डेल्टा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2i माइनस थीटा प्लस 2 इंटू आई माइनस थीटा, ये आएगा। तो देखेंगे यहां से 2i और यहां से 2i कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, यहां बचेगा माइनस थीटा और प्लस 2 थीटा यानी कि थीटा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंसिडेंट रे को थीटा से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो है उसके जस्ट अपोजिट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट करेगा, और होना भी चाहिए लॉजिकली देखेंगे, चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होना है, ठीक। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना से कम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना से ही कम होगा, उतना से कम होने का मतलब कि इसको थीटा से ही रोटेट करना पड़ेगा तभी आई में से थीटा माइनस कर पाएंगे, है ना। तो लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से ही होगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कि रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, विथ रेस्पेक्ट टू मिरर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिरर को हमने यहां पर स्टेशनरी रखा हुआ है। अब हो सकता है कि मिरर भी रोटेट करे साइमल्टेनियसली, तब उसमें ये रिलेटिव वाला केस लेना पड़ेगा, है ना। तो रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ निगेटिव ऑफ रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, यहां पर हमें वेक्टर लगाना चाहिए, ठीक है। वेक्टर का मतलब है हमें डायरेक्शन का ध्यान में रखना है, ठीक है, एक तरह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर इनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकल जाएगा, है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा आर एम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा आई एम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो यहां पर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। इसमें भी ये वेक्टर अप्लाई करना है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो कहा गया कि अगर मिरर को स्टेशनरी कर दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो होगा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो यहाँ पर ये हम लोग नोट कर सकते हैं कि रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे with respect to mirror is equal to rotation of incident ray in opposite sense, है ना। मतलब कि इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा रिफ्लेक्टेड रे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, बेसिकली ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो सारा काम अपना हो जाएगा, और साथ में ये एंगुलर वेलोसिटी वाला ही जो है ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन जो है अपने जो ओरिजिनल वीडियो लेक्चर थे
जो मैंने ग्रीन बोर्ड पे करवाया था उसमें है ना। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ भी और बता देता हूँ जो कि इस रोटेशन वाले केस से रिलेटेड है। रोटेशन का मतलब कि मिरर और इंसिडेंट रे, इन दोनों का रोटेशन हो रहा है साइमल्टेनियसली, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। ये कहा गया है इंसिडेंट रे इज रोटेटेड बाई 30 डिग्री इन क्लॉकवाइज सेंस एंड मिरर इज रोटेटेड बाई 20 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। फाइंड द टोटल एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो ये कहा गया कि इंसिडेंट रे को 30 डिग्री से रोटेट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और मिरर को साइमल्टेनियसली उल्टा डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 डिग्री से रोटेट किया गया है। तो यहाँ पर मिरर को और इंसिडेंट रे को साइमल्टेनियसली जो है रोटेट किया जा रहा है। तो अभी जो फॉर्मूला मैंने बताया है उसी को हम लोग यहाँ पर जो है यूज करेंगे, ठीक है। पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम जैसे मान लेते हैं कि ये मिरर है ना, ये अपना मिरर था। तो ये इसका पोजीशन था M1, इसको हमने रोटेट कर दिया ऐसे, मिरर को हमने रोटेट किया है 20 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज में। ये 20 डिग्री से रोटेट किया है और जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे कहीं ऐसे था, ठीक है। तो इंसिडेंट रे को भी हमने रोटेट कर दिया है, इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है 30 डिग्री से, इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज में और मिरर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्मल जो है वो पहले कहीं यहाँ होगा, बाद में उल्टा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट, है ना, बाद में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला हमने अभी सीखा है इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला अभी हमने जो डिराइव किया था वो ये था, थीटा आर एम इज इक्वल टू माइनस थीटा आई एम, है ना। इसको लिखा जा सकता है थीटा आर माइनस थीटा एम इज इक्वल टू माइनस थीटा आई माइनस थीटा एम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। तो थीटा आर, ये थीटा आर हमें यहाँ पर निकालना है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट करेगा ये हमें फाइंड करना है, ठीक। थीटा एम का मतलब हुआ रोटेशन ऑफ मिरर, तो मिरर का रोटेशन 20 डिग्री है और वो एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इसको मैं लिखूंगा प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू माइनस थीटा आई, थीटा आई का मतलब रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। तो देखेंगे जो इंसिडेंट रे था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, क्लॉकवाइज को हमने निगेटिव लिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे माइनस 30 डिग्री, है ना। तो थीटा आई जो है वो माइनस 30 है, माइनस थीटा एम, मिरर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव डायरेक्शन में 20 डिग्री से, इसको प्लस 20 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। बस अब क्या करना है, इसको सोल्व करके हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, इसमें थीटा आर की वैल्यू निकालनी है ना। तो थीटा आर ये हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू प्लस 50 डिग्री हो जाएगा, ये माइनस 30 माइनस 20 माइनस 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये थीटा आर जो हुआ 20 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज लिखा जा सकता है ना। तो ये कहा जा सकता है कि रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाई 70 डिग्री इन
एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। और जैसे ये हमने क्वेश्चन किया, ऐसा ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही पूछा जाता है, जो एंगुलर वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है यहाँ पर, है ना, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जो न्यूक्लियन का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मटेरियल है, उसमें ये क्वेश्चन है, और इसको मैंने सोल्व भी किया हुआ है अपने जो वीडियो लेक्चर है उसमें।